हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। सो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ साइट, सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन, थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय ऑब्जर्वर। अगर कोई ऑब्जर्वर मेरे पास में है जो कि एक बिल्डिंग को जैसे देख रहा है, तो आई से जाती हुई ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल। जहाँ आपकी आई होगी उससे बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। और अगर हमारे पास में बिल्डिंग ऊपर है या कोई चीज़ नीचे होगी, तो आई से ऊपर की तरफ ऐसे देखे जाने वाली लाइन, ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मींस कुछ ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लाइन ऑफ साइट फ्रॉम ऑब्जर्वर आइज टू सम ऑब्जेक्ट अबव। तो अगर मेरे पास में जहाँ पर ऑब्जर्वर है और जैसे वो बिल्डिंग को यहाँ पर देख रहा है, तो थोड़ी अबव है, ऊंची है वो, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में और लाइन ऑफ साइट के मिड में ये वाला जो एक एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरे पास में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पॉइंट आपको दोनों क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ अब हमें देखना है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, ठीक है, और अब नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये वाले हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि हमने आई से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जानी है, और अब ऑब्जेक्ट नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ होगी। तो हॉरिजॉन्टल और जो लाइन ऑफ साइट है उसके मिड में जो एंगल बन रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये कैट पेटी है और इधर एक बर्ड है। अगर आप कैट की आई से देखते हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुई, ये लाइन ऑफ साइट हुई, और बीच वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। लेकिन अगर वहीं पे बर्ड की तरफ देखें, तो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट सेम हुई, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हुआ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो जेड बन रहा है, इट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो जहाँ हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए, नीचे वाली फिगर में यहाँ ऑब्जर्वर है, डॉग यहाँ है, और एरोप्लेन ऊपर है, तो ऊपर की तरफ अब आई तो यहाँ रहेगी मिड में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हो गई, और यहाँ पर लाइन ऑफ साइट हो गई एरोप्लेन की, और नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट हो गई इसकी तरफ, एनिमल की तरफ। अब आपकी हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाली साइड पे एलिवेशन की तरफ देखो, तो हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन बना, नीचे की तरफ डिप्रेशन में जाओ तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो इस तरीके से दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कि या तो हमारे पास में ऐसे ऑल्टरनेट की वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो सेम नहीं होते हैं। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वॉल, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ वॉल। देखिए, आपको लेडर गिवन है और वो कहाँ है, वॉल के साथ में चिपकी हुई है। यहाँ पर अगर आप फिगर में देखो, तो बी सी आपकी वॉल हुई, लेडर आपके पास में ए सी हुई, एंड क्योंकि ये वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, सो एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें हाइट निकालनी है, इट मीन्स हमें ये बी सी निकालना है। अगर आप यहाँ से देखो, तो आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, और अगर आप ट्राइंगल को थोड़ा घुमा लो, मीन्स आप इसको कुछ इस तरीके से बना लो, जहाँ से आपका ये बी हो गया, यहाँ से आपके पास में ये वाली सी हो जाएगी, एंगल आपके पास में 60 डिग्री, एंड इस साइड में आपका ए है। ये ध्यान रखना, वॉल अभी यही है जो मैंने ऊपर वाली फिगर आपको मेंशन करी है, बट क्योंकि मुझे इसको दो तरीकों से करना आता है, पहला ये, या तो मैं एंगल ए निकाल लेती बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सेकेंडली, हमें ये भी पता है कि जहाँ पर हमें एंगल गिवन होता है, उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, एंड उसके नीचे बेस होता है, और मुझे हाइपोटेन्यूज यहाँ पर गिवन है, और बी एच का अगर मैं रिलेशन देखूँ, तो वो कॉस का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस
60 degree is equal to base, that is BC, upon hypotenuse, that is AC. Then cos 60 is 1 by 2. And BC is yet to find. AC is 15. And the answer will be BC is equal to 15 upon 2 meter. तो ये आपके पास में आंसर है. अगर आपको इसको पॉइंट में निकालना है आप निकाल सकते हो. अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो. पॉइंट में इसका आंसर बन जाएगा 27 का 14.5, दैट मीन्स 7.5 मीटर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिवन फिगर अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड. अब शेडो यहाँ पर ही होगी एंड क्योंकि हमें ए बी हाइट गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर बी एंगल 90 डिग्री होगा. आपको यहाँ पर जो शेडो की लेंथ है दैट इज 20√3 गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. आपको सन का अल्टीट्यूड पता करना है, इट मीन्स हमें यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ से ए बी हमें कितना दिया है, 20 दिया है. सो इन ट्राइंगल इट्स वेरी इजी सम, एज हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी लिख लेंगे और उसके बाद में हम लिख के चलेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. यहाँ से आपके पास में ए बी की वैल्यू 20 है एंड बी सी की वैल्यू आपके पास में 20√3 है. टेन थीटा हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कट हो गया तो 1. इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी बन के आ रही है, दैट इज़ 1√3. और ये वैल्यू कहाँ होती है, मीन्स टेन थीटा के कौन से एंगल पर ये वैल्यू रहती है, तो वो एंगल होता है 30 डिग्री. इट मीन्स आपके पास में थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, ए बी इज 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज लेडर इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेज अप टू पॉइंट डी पोल. ए डी आपको दिया है एंड लेंथ ऑफ लेडर. देखो आपको सबसे पहले ए और बी लेना है जो आपको 6 दिया है ओवरऑल, बट सी डी एक लेडर भी है, इट मीन्स यहाँ सी होगा तो डी ये वाला आपके पास में पॉइंट निकल के आएगा. यहाँ से आपको ए डी की लेंथ 2.54 दी है, मीन्स ये आपकी 2.54 है. तो अगर आपको फुल यहाँ पर देखा जाए तो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी बी डी सी. इट मीन्स मुझे अगर ट्राइंगल बी डी सी चाहिए तो मुझे बी डी सी में से वैल्यूज़ भी तो चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बी डी निकालूंगी. बी डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके लिए आपको ए बी में से माइनस करना पड़ेगा ए डी को. आपके पास में जो ए बी है उसकी लेंथ 6 दी हुई है और जो ए डी है 2.54 दी हुई है, इनको माइनस करके आपके पास में बन जाएगा 3.46. नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी आपके पास में यहाँ पर एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये 90 है और आपको लेंथ लेडर की निकालनी है, मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और मुझे परपेंडिकुलर पता है तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा. सो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी. बी डी की वैल्यू आपके पास में अभी निकाली थी, दैट इज 3.46 और सी डी की वैल्यू आपके पास में निकालने वाली है. साइन 60 डिग्री हमारे पास में होता है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3.46 अपॉन सी डी. यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपके पास में सी डी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सी डी इक्वल टू 3.46 मल्टीप्लाई टू अपॉन √3. आपको √3 के लिए बोला गया है 1.73 यूज़ करना. तो यहाँ से आपके पास में सी डी की वैल्यू बन जाएगी 6.92 अपॉन 1.73 और इसको डिवाइड करने पर आपके पास में आंसर बन रहा है 4 मीटर. यही आपका आंसर हुआ. तो सी डी आपके पास में आ गया है 4 मीटर. सो फोर्थ क्वेश्चन इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. शिप्स जो आपको 200 मीटर अपार्ट किया गया है और आपको लाइट हाउस की हाइट निकालनी है. ये रहा मेरा लाइट हाउस.
और लाइट हाउस के यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी और यहाँ से आपके पास में आएगी पहली शिप और फिर आएगी अपनी दूसरी शिप। ये हमारे पास में ग्राउंड हो गया। अब यहाँ से देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में सबसे पहले 30 डिग्री आना है, राइट, उसके बाद आपके पास में 45 डिग्री आना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल से और अंदर वाला एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। वैसे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे हम 90 को अप्रोच करते जाते हैं, मीन स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करते जाते हैं, हमारे पास पीछे छोटा एंगल होता है और बड़ा एंगल आगे की तरफ होता है। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। नाउ अगर मुझे हाइट निकालनी है, मीन्स मुझे ए बी निकालना है, उसके लिए मुझे बी सी पता होना चाहिए या कुछ ऐसा जो कि मुझे यहाँ से डायरेक्टली ए बी को निकलवा सके। तो मुझे सिर्फ ये सी डी की वैल्यू 200 गिवन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेके चलेंगे ए बी सी। सो इन ट्राइंगल पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल लेके चलेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड यहाँ से मेरे पास में टेन 45 डिग्री कितना दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। ए बी आपको कितनी दी हुई है वो हमें निकालनी है और बी सी भी हमें नहीं पता, दैट मीन्स बी सी को भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज कि ए बी और बी सी हमारे यहाँ पर इक्वल है। इट मीन्स आप अब आगे जहाँ बी सी लिखना होगा वहाँ ए बी यूज़ कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट मार्क कर लो एंड इसको नोट कर लो। नाउ वी विल टेक ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी आपके पास में यहाँ पर टेन 30 डिग्री होगा और इक्वल टू में यहाँ पर ए बी और अपॉन में चलेगा बी डी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी अकेला नहीं है यहाँ पर, वो बी सी प्लस सी डी के साथ में कनेक्टेड है। तो ए बी को तो हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बी डी को मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, बी सी प्लस 200, मीन्स हमारे पास में सी डी की वैल्यू 200 है। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 होती है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा था कि ए बी और बी सी इक्वल है, इट मीन्स मेरा यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी प्लस 200, यहाँ से ये मिल जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट ए बी प्लस 200 इक्वल टू ए बी रूट 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस। एंड देन अगर आप यहाँ से देखो तो आप ये कर सकते हो कि ए बी को एक साइड ले जाओ, मीन्स वो माइनस हो जाएगा ए बी रूट 3 में से। तो मैं ए बी रूट 3 में से माइनस कर दूंगी ए बी को एंड इक्वल टू में 200 ही रहेगा। यहाँ से अगर आप ए बी को कॉमन ले लेते हो, यहाँ एक बात मैं बोलूँगी, आपको पहले भी बोला गया है हमारे पास जब भी इक्वालिटी होती है तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल होती हैं, तो हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर उधर ला सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने अब लेफ्ट साइड में ए बी रूट 3 माइनस ए बी कर दिया है क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई है रूट 3 माइनस 1। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट ए बी 200 अपॉन रूट 3 माइनस 1। और जब भी रूट वाली टर्म होती है हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइज करेंगे इसको, यू विल गेट 200 एंड नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस साइड में आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। यू विल गेट ए बी इक्वल टू 200 अपॉन 3 माइनस 2 एंड अगर मैं रूट 3 की वैल्यू भर दूँ तो दैट इज़ 1.73 एंड प्लस में आ जाएगा 1। यहाँ से आपके पास में 200 अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ से 2.73, यहाँ से कट कर लोगे और 100 मिल जाएगा और मल्टीप्लीकेशन के आफ्टर यू विल गेट 273 मीटर। तो यही आपके पास में लाइट हाउस की हाइट निकल के आ गई है, दैट इज़ 273 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक बॉय दिया है 1.5, तो मैं यहाँ पे एक लड़का बना लेती हूँ 1.5 का। एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, तो लो जी ये बिल्डिंग भी अपनी बन गई। ये हमारे पास में ग्राउंड है, ठीक है।
देन एंगल एलिवेशन उसकी आई से बोला है, तो आपको ये भी मालूम है कि हॉरिजॉन्टल ये होगा और यहाँ से एक एंगल अपर साइड में बन रहा है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया आपका 30 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री का एंगल जैसे वो मूव करता है, नेक्स्ट हमारा 60 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। आपको डिस्टेंस पता करना है कि उसने कितना वॉक किया। अगर यहाँ से ए बी सी और ये डी हो, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि ये जो लड़का 1.5 है और जो आपको ओवरऑल ये वाली फुल लेंथ, अगर मैं इसको ई दे दूँ नाम और यहाँ एफ दे दूँ, तो आपको जो ए ई गिवन है वो ए ई कितनी गिवन है, ये वाली आपको दी हुई है 30 मीटर। मुझे इसमें से बिल्डिंग की हाइट में से लड़के की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, वो है ए बी। तो ए बी इक्वल टू ए ई माइनस बी ई। एज यू नो, अगर इधर डी एफ जो है वो 1.5 है, तो ऑब्वियस है इधर से बी ई भी कितनी होगी, 1.5 होगी। तो ए ई मेरे पास में टोटल दी है 30 मीटर, राइट, ये बिल्डिंग की हाइट दी है, माइनस लड़के की हाइट दैट इज़ 1.5, माइनस करके मेरे पास में आ गया 28.5। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपके पास में वैल्यू गिवन है 60 डिग्री एंगल की, राइट, तो हम ट्राइंगल लेके चलते हैं पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी। मेरा मेन मोटिव है सी डी निकालने का, क्योंकि हमने तो डिस्टेंस ही पता करना है वो कितना मूव किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी निकाल लेंगे। सो टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो टेन सिक्सटी हमारे पास में कितना होता है, टेन सिक्सटी हमारे पास में है √3 और ए बी हमें लेंथ मालूम है, दैट इज़ 28.5 और अपॉन में हमारे पास दिया है बी सी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर मैं बी सी को क्रॉस में इधर ले जाऊँ और √3 को नीचे ले आऊँ, तो हमारे पास में बन जाएगा बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। सो बी सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। यू विल गेट 28.5 √3 अपॉन 3। सो योर आंसर विल बी 9.5 √3। ये आपके पास में बी सी निकल के आ गया है, यहाँ तक लिख लीजिए। नाउ हम अब लेके चलेंगे फुल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, सो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। सो टेन 30 आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में √3 और ए बी आपके पास में कितना है, दैट इज़ 28.5 अपॉन में आ गया आपके पास में बी डी, और यहाँ से बी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 28.5 √3। नाउ हमें फाइंड आउट करनी थी सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी हमारे पास में निकलेगा बी डी माइनस बी सी। सो बी डी हमारे पास में 28.5 √3 एंड बी सी की वैल्यू पीछे निकाली थी, दैट इज़ 9.5 √3 इक्वल टू, आंसर आपके पास में आ जाएगा 19 √3 मीटर। सो ये आपके पास में आंसर हो गया कि वो इतना मूव किया है। सो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, जिनमें से कुछ पी वाई क्यू से और कुछ बुक के क्वेश्चन थे, और भी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।